हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो थर्मल फिजिक्स में अल्टीमेटली हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन वाला, थर्मोमेट्री थर्मल एक्सपेंशन, उसको किया। देन उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री, बट बहुत छोटा चैप्टर था, उसको किया। अब जो थर्मल फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है, या आप जिसको कई लोग थर्मल फिजिक्स को थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, अब जो इसका मेन चैप्टर है आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से मिनिमम कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो। ये मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन, चाहे आप जेई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें। सो ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। टॉप 10 चैप्टर जो आते हैं या टॉप 8 चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर आता है पूरे फिजिक्स का, अगर हम जेई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाएं तो। एक अकेला चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज देता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देता है, मार्क्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, और जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक करना है। सो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमको देखना है डे 1 में कुछ जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं इसके, जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं बहुत बहुत जरूरी, उनको देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम वैसे तो हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ पीवीटी। जैसे आप देख सकते हैं ये कोई एयरटाइट बीकर है, उसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पर एक क्लोज सिस्टम हो गया। ये क्लोज सिस्टम हो गया तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। यहां पर मैं फिर से आपको बता दूं, जैसा हमेशा होता है कि फिजिक्स में भी ये चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, एज इट इज सेम नाम से। अब केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑब्वियस है कि कुछ कुछ डिफरेंट होंगे। कुछ डिफरेंट का मतलब एक डिफरेंट व्यू होता है वहां पर, यहां पर एक डिफरेंट व्यू होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हमारे लिए जो सिस्टम होगा, जो सिस्टम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गैस पार्टिकल हमारे लिए सिस्टम हुआ, जिनके पास कुछ सर्टेन वैल्यू, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, इंटरनल एनर्जी हो, सो उसको हम कह रहे हैं सिस्टम। जबकि केमिस्ट्री में जब बात आएगी तो ये सिस्टम नहीं बल्कि कंटेनर को, कंटेनर में क्या क्या है, जैसे पिस्टन है, जो पिस्टन है, पिस्टन का मतलब इससे हम इसका वॉल्यूम वेरी करा सकते हैं। अगर हम पिस्टन को डाउनवर्ड ले जाएंगे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो इसको सिस्टम बोला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। सबसे पहले सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सिस्टम हमारे लिए गैस है और वहां पर सिस्टम का मतलब पिस्टन या कंटेनर लिया जाता है। चलिए, एक बात हो गई थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। इसके बाद हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? देखिए, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। हम यहां पर देखें एनी रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, कुछ भी रिलेशन हो, किसी भी टाइप का रिलेशन हो, उसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट या फिर समटाइम्स वर्क डन ऑल्सो। सो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इक्वेशन जैसे पीवी स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी लगा सकते हैं या कोई कांस्टेंट कह सकते हैं, यहां पर कोई कांस्टेंट के है, राइट, क्योंकि डायमेंशनली रॉन्ग हो सकता है, या फिर यू इक्वल टू पीवी ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं पीवी टू द पावर 2021 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक प्रोसेस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में, इसको हम बोल देते हैं प्रोसेस। और बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे चल के इसी डे में किस टाइप के प्रोसेस होते हैं, उनका क्या खास बात होती है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हम लोग बेसिक फंडामेंटल वर्ड्स देख रहे हैं अभी यहां पर। पहले हम लोगों ने देख लिया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसके बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम लोग यहां पर देखते हैं प्रेशर, एक फंडामेंटल टर्म आया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? वैसे तो प्रेशर P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है। प्रेशर के लिए बहुत कुछ हम लोग फ्लूइड में देख चुके हैं। यहां पर अगर इसका यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी यूज करते हैं।
और बार ये सारे इसी के यूनिट होते हैं, एटीएम भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूज करते हैं। सो बहुत सारे प्रेशर के यूनिट पॉसिबल हैं। सो यहां पर प्रेशर को जरा फील करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। आप देख सकते हैं यहां पर पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है, पिस्टन डाउनवर्ड जैसे जैसे जा रहा है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसका प्रेशर इट मे इंक्रीज, ऐसा हो सकता है कि ये इंक्रीज करे, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ वो कंडीशन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है देन इट्स ओके। सो यहां पर ये कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए उनमें से एक कंडीशन होगी कि चलो भी वॉल्यूम कम करते हैं, प्रेस ये प्रेस कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स को, इनका वॉल्यूम कम कर दे रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये इट मे शब्द यूज करेंगे, इट मे इंक्रीज द प्रेशर अगर पिस्टन को डाउनवर्ड ले जाए, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर डिक्रीज करना है, अब ये पिस्टन आप देखो तो अपवर्ड जा रहा है। सो यहां पर भी हम कहेंगे इट मे डिक्रीज, ये इट मे डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इसकी वजह से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन तो है ही, कम से कम वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हमने ये कह दिया प्रेशर कांस्टेंट है तो चलो भाई यहां पर कुछ नहीं मूव कर रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम इसको मूव नहीं करा रहे, रिजिड कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। सो प्रेशर इंक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीजिंग, प्रेशर कांस्टेंट। अब जो दूसरा फंडामेंटल टर्म है, जो नेक्स्ट फंडामेंटल टर्म है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। देखो वैसे तो वॉल्यूम बड़ा आसान है, आपसे कहा जाएगा वॉल्यूम क्या होता है तो आप कहोगे कि भाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कोई भी कंटेनर है उसमें कितना लिक्विड या कितना गैस आ सकता है, पर टेक्निकली हम बोलें तो वॉल्यूम का मतलब इस पर्टिकुलर केस में या इस चैप्टर में वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वो वेसल का वॉल्यूम क्या है वो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहां पर 5 मोल ऑफ गैस है इस कंटेनर में फिल्ड है, और यहां पर देखें 5 मोल ऑफ ही गैस है, सेम गैस मान लेते हैं वो इस कंटेनर में फिल्ड है, ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम अगर हम V1 एज्यूम करें, इसका वॉल्यूम V2 एज्यूम करें तो V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब हम क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन दोनों केस में अलग अलग है, क्या गैस की क्वांटिटी अलग है, इसका मतलब याद रखिएगा वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं क्वांटिटी को बताता है, ये क्वांटिटी इससे डायरेक्टली नहीं पता चलती है बल्कि ये कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में गैस को फिल किया जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये सभी को क्लियर हो गया, ये बस एक छोटा सा कंफ्यूजन, वॉल्यूम का मतलब तो आपको क्लास 3rd-4th में भी बता दिया जाता है, सो छोटा सा एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये गैस का वॉल्यूम और इस गैस के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि गैस के वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं बल्कि गैस का अमाउंट सेम है, 5 मोल 5 मोल सेम गैस भी अज्यूम कर लिया, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, जिस भी कंटेनर में रख दो उसी का वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। इसके